हाय गाइस, चलो आज हम लोग देखते हैं कि मर्मोस्टेट के अंदर कैसे हम लोग लाइटिंग कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर इससे पहले वाले पार्ट में मैंने आपको बताया था कि इसमें कैसे हम लोग सब्सटेंस की फाइल को कैसे लेके आएंगे, टेक्सचर इसमें कैसे लगाएंगे, टेक्सचर कैसे ऐड ऑन करते हैं, उसके बाद अभी हम लोग इसमें देखेंगे कि भाई मेरे पास एक HDR है, बाई डिफॉल्ट HDR इसका थोड़ी लाइटिंग है। सिर्फ प्रेस करके देखो तो आप लाइट को आप ट्रैवल करवा सकते हो। ठीक है, ये पूरा पार्ट आपका यहाँ पे गिवन है। ठीक है, अभी हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं, हम लोग को करना है लाइटिंग विद रूल रेगुलेशन। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या काम करते हैं, शिफ्ट सिंपल सा पार्ट, शिफ्ट प्रेस करके मैंने देखा यहाँ पे क्या काम कर सकते हैं, लाइट को ट्रेवल कर सकते हैं। सीन में गए, एड ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में जाने के बाद लाइट, लाइट में है आपका डायरेक्शन लाइट। ठीक है, डायरेक्शन लाइट लिया हम लोगों ने यहाँ पे, इसका हम लोग स्टार्टिंग में नेमिंग कर देंगे KEY की मैंने किया यहाँ पे, की के साथ में चीज़ों को मैं मैनेज करता हूँ यहाँ पे। ये मेन कैमरा है। ठीक है, अभी आप चाहो तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे सिंपल सा पार्ट, आप पर्सपेक्टिव पे भी जा सकते हो। ठीक है, पर्सपेक्टिव में आपको देखिएगा तो आपका लाइट कैसा है। ठीक है, ओके, लाइट आप यहाँ से सेलेक्ट कर लो, W प्रेस करो, मूव आपके यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, अभी जैसे मैं चाहता हूँ मेरे को दो चीज़ों में काम करना है, मैंने कहा मेन कैमरा। ठीक है, अभी यहाँ से मैंने क्या किया, क्लिक कर दिया मैंने यहाँ पे, और मैंने यहाँ पे चीज़ों को मैंने इसका स्प्लिट वर्टिकल या स्प्लिट हॉरिजॉन्टल ये मैंने कर दिया। ठीक है, अभी यहाँ पे स्प्लिट हॉरिजॉन्टल करने के बाद मेन कैमरा को मैं इसे कर देता हूँ पर्सपेक्टिव, तो मेरा से पर्सपेक्टिव ये है, देखना मुझे यहाँ पे, ये मेरे को दिख रहा है विजुअल है। लाइट सेलेक्ट करके WENR सेम जो बाकी सॉफ्टवेयर में होता है रोटेशन पे, यहाँ पे मैंने सेट किया, देखो ये ऊपर नीचे ऐसे। ठीक है, मैं तो ऐसे मैं मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे, मेक श्योर ये समझना, देखो ग्रीन कलर सेलेक्ट कर, ये मैं ऐसे मैं मैनेज करूँ। ठीक है, दिस इज़ गुड। ओके, मैं यहाँ पे थोड़ा सा कलर जो नहीं देने वाला हूँ, वो यहाँ पे हल्का सा येलो इस देता हूँ। ठीक है, येलो में यहाँ पे क्या, और हल्का सा येलो का सेचुरेशन पार्ट। ठीक है, ऐसे करके एकदम से प्रॉपर येलो मत देना। ठीक है, तो हम यहाँ पे थोड़ा सा मैनेज कर, देखो मैं बस देखिए ये पार्ट में बस यहाँ पे देखिएगा। ओके, दिस इज़ गुड, की लाइट दिए मैंने यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे मैं ब्राइटनेस एंड कॉन्ट्रास्ट लाइट के अंदर देखो, यहाँ पे थोड़ा सा बढ़ाना चाहता हूँ, बढ़ा सकते हो आप यहाँ पे। ठीक है, ये ओके, दिस इज़ गुड। यहाँ पे मैं कर देता हूँ 7 कर दिया मैंने यहाँ पे, थोड़ा सा इम्पैक्ट देखिएगा मुझे यहाँ पे। ओके, इसके अंदर मेरे पास क्या शेप्स हैं, शेप्स डायमीटर कुछ बाई डिफॉल्ट गिवन है, या मैं कुछ और चीज़ों को ऐड ऑन करना चाहता हूँ तो मैं कर सकता हूँ। ठीक है, अभी फ़िलहाल में ऐसे लग करते हैं, तो वापस एक और लाइट लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ से मैंने क्या किया, सीन एड ऑब्जेक्ट 10 लाइट पे गया, लाइट में जाके मैंने डायरेक्शन लाइट एक और लिया यहाँ पे। ठीक है, लाइट का नाम पहले दे देना FILL। फिल, ठीक है, फिल कर दिया मैंने अभी। फिल करने के बाद हम लोग पर्सपेक्टिव पे जाके हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, W प्रेस कर दिया मैंने यहाँ पे। ठीक है, देन ये पार्ट मैंने यहाँ पे दिया, देन रोटेशन मैंने कर दिया यहाँ पे, ये पार्ट में बस यहाँ पे। ओके, अभी आपको लगे सही है या नहीं है, टॉपिक पे जाकर आप मैनेज भी कर सकते हो। ठीक है, ये आप सेट करो W प्रेस करो, ये बस फिल इधर रहेगा इस एंगल से। ठीक है, की मेरे पास इस एंगल से रहेगा, तो मैं यहाँ से मैं ऐसे में मैनेज करके दिखा सकता हूँ, एंगल जरूरी है। ठीक है, मैनेज करोगे तो वेल एंड गुड। यहाँ पे हम लोग पर्सपेक्टिव पे की हो गया, फिल हो गया। ठीक है, की एंड फिल दोनों में डिफरेंसेस होता है, फिल का जो नंबर होता है वो आपका नॉर्मली हाफ होना चाहिए। ठीक है, वहाँ पे देखो 7 है, तो मैं यहाँ पे 3.5 में रख सकता हूँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने देखा यहाँ पे। ठीक है, अभी की एंड फिल आपको लाइटिंग इफेक्ट यहाँ पे बढ़िया दिख रहा है, आप यहाँ पे क्रॉस चेक करके देख सकते हो, भाई मुझे यहाँ पे कुछ काम करना है तो मैं कर सकता हूँ। ठीक है, इसके बाद अभी मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक लाइट मैंने और लिया यहाँ पे। ठीक है, सीन एट ऑब्जेक्ट एंड लाइट, यहाँ पे हम लोग करते हैं डायरेक्शन लाइट। ठीक है, डायरेक्शन लाइट लिया, ये डायरेक्शन लाइट मेरे पास यहाँ पे है। ठीक है, इस डायरेक्शन लाइट को मैं फिर से एज अ विद द हेल्प ऑफ टॉप व्यू मैं यहाँ पे गया, और देन मैं इसको यहाँ पे मैंने मैनेज किया, यहाँ पे रोटेशन मैं दे सकता हूँ यहाँ पे रोटेशन, अगर मुझे ऐसे कुछ मैनेज करना था यहाँ पे एक्सेस नहीं समझोगे तो आइडिया नहीं मिलेगा। देखो ना, अब ये पार्ट में यहाँ पे हो गया, इस लाइट का जो मैंने नाम दिया नहीं दिया नाम दे दो यहाँ पे। ठीक है, ये आपका है RIM रिम। ठीक है, रिम कर दिया, रिम की इंटेंसिटी तो इसे मैं ज़्यादा करने वाला हूँ, कलर भी थोड़ा सा चेंज करने वाला हूँ, यहाँ पे मैंने हल्का सा ब्लूइश इम्पैक्ट दिया। ठीक है, तो देखना तो थोड़ा सा बेटर है इस टाइप से, दिस इज़ गुड। ठीक है, इसकी इंटेंसिटी को मैं थोड़ा सा मैं बढ़ा सकता हूँ। ठीक है, तो पहले मैं चलता हूँ यहाँ पे पर्सपेक्टिव पे, यहाँ पे पर्सपेक्टिव क्या, लाइट आपको दिख रहा है, लाइट आपको इसका कैसा है, ये आपका सीधा पार्ट ऐसे दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे मैं थोड़ा सा मैं मैनेज कर सकता हूँ विद द हेल्प ऑफ पर्सपेक्टिव एंड रोटेशन की हेल्प से, मैं पे दिखा सकता हूँ मेरे पास यहाँ पे इम्पैक्ट कैसा है। अभी ये जब तक इम्पैक्ट बेटर नहीं दिखे, जब तक इसका इम्पैक्ट ना दिखे तब तक मज़ा नहीं आने वाला, तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया 10 कर दिया मैंने यहाँ पे, देखो 10 बहुत ज़्यादा हो गया। ठीक है, तो ये हमें मैनेज करना है। ठीक है, हम लोग करते हैं, चलो 7 करके देखते हैं, 7 पे इम्पैक्ट आपको दिख रहा है, दिस इज़ गुड। ये आपको इम्पैक्ट दिखेगा तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि कैसे मैनेज कर सकते हैं यहाँ पे। यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने कहा रिमूव रिपोर्ट, मेरा काम खत्म हो गया यहाँ पे। यहाँ पे हमने क्या किया, लाइटिंग किया, लाइटिंग करने के साथ हमने दिखाया मेरे पास लाइट का पार्ट क्या, की पे गए, की मेरे पास यहाँ पे दिख रहा है, की को मैं तो ऐसा मैं मैनेज करता हूँ, मैंने कर दिया 5
देख रहे हैं अभी देखो 5 करने पे कितना बढ़िया देख रहा है। तो मैं यहाँ पे चीज़ को ऐसे मैनेज करके चलूँगा, मुझे यहाँ पे कितना चाहिए, बर्न नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब आप कोई भी आउटपुट निकालते हो तो उसमें आपको चीज़ों को देखना है, क्रॉस चेक करना है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, 5 कर दिया यहाँ पे, ठीक है। फिल पे गया, फिल पे जाने के बाद मैंने यहाँ पे कितना कर दिया, फिल दिस इज़ लाइक मैं यहाँ पे यूज़ कर सकता हूँ 2.5। ओके, यहाँ पे मैं गया की पे, की को मैं थोड़ा सा और बढ़ा के देखूँ, यहाँ पे 6 करता हूँ, 6 में कैसा है, ठीक है 6 अच्छा है। ओके, तो ऐसे मैं थोड़ा सा क्रॉस चेक कर लूँगा कि भाई मुझे यहाँ पे कैसे क्या काम करना है और चीज़ों को कैसे मैनेज करना है, ठीक है। की, फिल एंड रिम, रिम का पार्ट देखो, रिम आपका यहाँ पे विजुअल है, ठीक है। एक बल्ब यहाँ पे सिंपल सा पार्ट, अगर आप देखो रिम, ठीक है। मैं यहाँ पे अगर क्रॉस चेक करूँ तो मेरे यहाँ पे चाहिए, देख रहे हैं यहाँ पे। अभी हम लोगों ने अभी जो हम लोगों ने इन्वायरमेंट जो बाई डिफॉल्ट होता है यहाँ पे, देखो सिर्फ ब्राइटनेस अपने यहाँ पे देखिएगा, ठीक है। मेरे पास एक इन्वायरमेंट का भी इम्पैक्ट है, देखो लाइटिंग इम्पैक्ट, जब भी जब आप इसको दोस्तों मैनेज कर चलो, तो मैंने यहाँ पे सेकेंडरी पार्ट भी मेरे पास यहाँ पे गिवन है, तो ऐसे लेके चलेंगे, ठीक है। इसके साथ मेरे पास यहाँ पे क्या होता है, मेन कैमरा, मेन कैमरे के अंदर कुछ सेटिंग देखोगे, कुछ सेटिंग मैं आपको इसमें एक्सप्लेन कर देता हूँ यहाँ पे। ओके, इसके अंदर क्या क्या सेटिंग है अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो मुझे यहाँ पे क्या क्या चीज़ें ऐड ऑन करना चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ से मैं क्रॉस चेक करता हूँ ट्रांसफॉर्म, ट्रांसफॉर्म पे मुझे कुछ लेना देना नहीं है फिलहाल में। कंट्रोल्स पर मेरे पास अभी फिलहाल में कोई जैसी चीज़ नहीं है, लिमिट्स है, नियर फार का मुझे भी कुछ काम नहीं करना है। लेंसेज हैं, लेंसेज एंड और नियर फार के प्लेन को मैं मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। पोस्ट का भी कुछ इंपैक्ट दे रखा है, जैसे मुझे एक्सपोजर चाहिए तो मैं एक्सपोजर को मैं थोड़ा सा मैं बढ़ाना चाहूँ तो देखो मैं बढ़ा सकता हूँ। यहाँ पे भी मेरे पास ऑप्शन मिलता है क्या, अगर मैं यहाँ पे चूँकि मैं मैनेज करूँ तो यहाँ पे मैं कॉन्ट्रास्ट, कॉन्ट्रास्ट को लिटिल विट देखना पे, ये थोड़ा सा पार्ट देखो मैनेज कर सकता हूँ। लुक एंड फील अच्छा होना चाहिए, शार्पन स्ट्रेंथ, देखो शार्पन कितना तो शार्प रहना चाहिए। अब ये सब फीचर क्या है, ये सब फीचर आपको यहाँ पे अट्रैक्ट करती है कि भाई ऐसा आउटपुट कैसे, क्योंकि देखो ये अगर मैं कम करता हूँ ऐसा दिख रहा है। अब यहाँ पे शार्पन करना, देखो ये आपको बहुत ही बढ़िया एंड क्लियर दिखेगा आपके यहाँ पे, ठीक है ना। ऐसे आप मैनेज करोगे तो हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। लिमिट्स प्ले करके देख सकते हो आप यहाँ पे, ब्लूम अगर किसी में लगता है कि भाई मुझे तो ऐसा ब्लूम वाला पार्ट, ठीक है, ग्लो टाइप्स वाला का ब्लूम होता है ना वो दिखाना है, तो आप ऐड ऑन करना चाहो तो कर सकते हो। जैसे किसी में इमर्सिव का रोल होता है तो वो हम लोग कर सकते हैं। यहाँ पे एक विग्नेट है, विग्नेट देखो, विग्नेट यहाँ पे किया हुआ देखना, यहाँ पे विग्नेट कॉर्नर का थोड़ा सा ब्लैक आ जाता तो ये थोड़ा सा बेटर हो जाता है। ओके, गेन अभी आपका ग्रेन जो ऑप्शन है देखो, ग्रेन में तो हल्का सा ग्रेन हम लोग रखेंगे। अभी एक बेसिक सा आउटपुट हो गया, चलते हम लोग यहाँ पे रेंडर पे, ठीक है। रेंडर पे गए, रेंडर में हाई क्वालिटी, ठीक है। अभी यहाँ पर अगर देखा तो यहाँ पे यूजुअली ये ऑफ रहता है, देख लेना, ठीक है। यूज कास्केड इसे ऑन करना, देखो यहाँ पे, ठीक है। शैडो क्वालिटी के लिए यहाँ पे दे रखा है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से देखो ये यूजुअली ऑफ रहता है, मैंने ऑन किया हुआ यहाँ पे एम्बिएंट डिफ्यूज एंड स्पेकुलर, तो ये आपको ऑन करके रखना है ताकि आपका काम हो जाए। लोकल रिफ्लेक्शन देखो लगे यहाँ पे काम है, इस कॉर्नर पे देखो, तो आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो, ठीक है। ये चॉइस है, ये कंपलसरी नहीं है। साइज है, साइज आपको HD चाहिए तो HD में आप यहाँ पे ले सकते हो। यहाँ पे मैं अलग अलग साइज भी जैसे रेंडर में सेव किया, कहाँ पे आया देखो, मेरे साइज अलग अलग दिख रहा है। मैं अगर 1270 ये साइज हो जाएगा यहाँ पे, आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। ओके, तो ये भी ऑप्शन है मैनुअल। यहाँ पे मैंने PNG इमेज कर रखा है, ठीक है। यहाँ पे चीज़ों को रखना है, सैम्पल क्वालिटी है 256:1024 भी कर सकते हो, जितने आप क्वालिटी बढ़ाओगे उतना ज़्यादा बेटर दिखेगा आपको यहाँ पे। तो अभी यहाँ पे देखा हमने साइज, हमने देखा है भाई साइज अगर आपको वीडियो एक्सपोर्ट करना है, ठीक है, तो वीडियो के लिए आपको यहाँ पे दे रखा है, चीज़ों को कैसे मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे। ओके, हम लोग यहाँ पे वापस आ गए, देखते हैं हम लोग यहाँ पे क्या क्या सेटिंग है। हम लोगों ने सेटिंग देखा है यहाँ पे, अगर वीडियो फॉर्मेट आपको निकालना है तो वीडियो फॉर्मेट का भी ऑप्शन है, ठीक है। तो वो सब कुछ यहाँ पे गिवन है, ठीक है। अभी फिलहाल मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ रेंडर पे जाके आपको रेंडर कैसे करना है। तो रेंडर पे गए, रेंडर पे जाके मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, देखो व्यूपोर्ट तो क्लिपबोर्ड यहाँ पे मैंने क्लिक किया तो आपको ऐसे दिखेगा, ठीक है। अभी ये ठीक है, एक यहाँ पे गए रेंडर व्यूपोर्ट एंड F10 प्रेस करोगे तो रेंडर F10 में आपका यहाँ पे विजुअल होगा, ठीक है। अभी यहाँ पे कुछ चीज़ हम लोगों ने कुछ किया, यहाँ पे रेंडर मेरे पास निकल के आ गया, वो रेंडर निकला हुआ ये आपका इमेज है। आप इस इमेज को आप शो कर सकते हो कि भाई मेरे पास एक इमेज आए जिसको मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, ठीक है। और यहाँ से मैं चीज़ों को सिंपल व्यूपोर्ट क्लिप बोर्ड में जाकर ढूंढोगे तो वो मिल जाएगा आपको यहाँ पे, ठीक है। तो आपका रेंडरिंग का सिंपल सा प्रोसेस है, F10 आप प्रेस करोगे तो आपके पास यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आप देखोगे ऑल इमेजेस, तो ऑल इमेजेस जितने भी इमेजेस हैं वो सब कुछ आपका यहाँ पे निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे चीज़ों को ऐसे देख सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।